केरला के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के चार पुत्रों से जुड़े हैं। केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिप्रायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। साथियों, कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए मैंने केरला में स्थित रामायण से जुड़े चार पवित्र मंदिरों नालम्बलम की बात की थी। केरला के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के चार पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिप्रायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। महाकवि एळुचंद रचित मलयालम रामायण के कुछ छंद सुनना अपने आप में अद्भुत है। केरला के कई महत्वपूर्ण कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तुतियां से मन मोह लिया। केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है। आजादी के अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है। भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोची जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहां के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं।